Hi students, now I am going to teach you practice set 1.5. In this there are total 6 questions. They are based on the word problems. I am going to explain you the first question. इसमें आपको questions word के form में दिए रहेंगे जिसमें आपको इसको linear equation के form में पहले बनाना पड़ेगा. अभी तक हमने जितने भी सम किए थे उसके अंदर आपको equation दिया हुआ था, बट यहाँ आपको equation नहीं दिया हुआ है, आपको यहाँ पर equation बनाना रहेगा. तो आपको पहले क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा जिसके अंदर दो कंडीशन रहेंगी. दो कंडीशन के बेस पे आपको इक्वेशन वन और इक्वेशन टू निकालना रहेगा. जैसे कि अभी मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको पहला क्वेश्चन. अब क्वेश्चन पर ध्यान से रीड करेंगे. इसके अंदर टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर. जब कभी भी ऐसा पूछेगा जो चीज़ फाइंड करने बोला, जैसे यहाँ बोला फाइंड द नंबर्स बोला है, मीन्स मुझे एक स्मॉलर नंबर दिया हुआ है और एक ग्रेटर नंबर दिया है, मुझे ये दोनों नंबर फाइंड करना है. तो उसको अज्यूम कर लेने का, लेट मान लेने का, लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड द स्मॉलर नंबर बी वाई. आप चाहे तो स्मॉलर नंबर को वाई ले सकते हैं और ग्रेटर नंबर को एक्स ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है. बट मैंने यहाँ पे दिया है लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड द स्मॉलर नंबर बी वाई. अब आपको पहला कंडीशन देखना है. यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन. आप क्वेश्चन रीड करेंगे, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन. फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कहती है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, मीन्स ये जो आपके जो नंबर थे उनके बीच का डिफरेंस कितना है 3 का. तो जैसे कि अगर मैंने ग्रेटर नंबर x माना है तो और स्मॉल नंबर y माना है, तो x में से y गया तो कितना डिफरेंस आना चाहिए 3 का. अगर आपने ग्रेटर नंबर y माना होता और स्मॉल नंबर x माना होता तो आप ऐसे लिखते हैं y माइनस x इज इक्वल टू 3. यहाँ पर लिखेंगे x माइनस y, डिफरेंस बोला है, मीन्स इन दोनों नंबर की जो डिफरेंस, जैसे एक नंबर मान लो 15 हो गया और दूसरा नंबर मान लो 18 हो गया, तो 18 में से 15 का कितना आना चाहिए 3. तो इसी तरह से आपको पहले कंडीशन लिखनी पड़ेगी x माइनस y फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, x माइनस y इज इक्वल टू 3. ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया. ठीक है, अब आपको सेकेंड कंडीशन बना लिखना पड़ेगा. आपको फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, हम सेकेंड कंडीशन करेंगे, क्वेश्चन ही दिया रहता है वो कंडीशन आपके. सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉल नंबर, सम बोला है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे. सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉल नंबर, मैं स्मॉल नंबर क्या है वाई है, उसका ट्वाइस बोला, ट्वाइस मतलब 2y हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो 2y. एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर मेरा क्या है यहाँ पे x है, इसका थ्राइस तो 3x. मीन्स सम ऑफ प्लस ट्वाइस द स्मॉल नंबर 2y एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर प्लस 3x इज 19, कितना इक्वल टू है ये, इक्वल टू 19, इक्वेशन नंबर 2. अब आपका यहाँ पे दो इक्वेशन बन गया है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2. अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है जैसे आपने पहले किए थे, इक्वेशन बैलेंस करके, तो आपका इसमें x और y का वैल्यू निकल जाएगा. बहुत ईजी सम से ये. इसके अंदर हम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1. तो ये क्या हो जाएगा, मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 3 6. इक्वेशन नंबर 3 में नया इक्वेशन बन जाएगा, मीन्स इक्वेशन 2 एंड 3 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. देखेंगे यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है, दोनों सेम हो गया है. यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है. अगर प्लस माइनस है तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3. Adding equation 2 and 3, 3x plus 2y is equal to 19, equation number 2, 2x minus 2y is equal to 6, equation number 3. अब इसे सॉल्व करेंगे, 2y 2y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एडिंग है, तो 3x प्लस 2x हो जाएगा आपका 5x. 5x हो गया इज इक्वल टू 19 और 6, जब इसे ऐड करेंगे कितना आएगा 25. x इज इक्वल टू 25 अपॉन 5
x इज इक्वल टू 5 5 5 5 5 25, एक्स की वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे 5, ये आपका x आ गया, मीन्स आपका ग्रेटर नंबर आ गया आपका यहाँ पे 5। आपको क्या चाहिए, स्मॉल नंबर चाहिए, तो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, यहाँ x वैल्यू 5 है, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5, देन माइनस वाई इज इक्वल टू 5 में से 3 गया माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका y का वैल्यू आएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू 2, ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, इस तरह से आपका y भी मिल गया, तो आपका x और y मिल गया, आपको डायग्राम से लिखना है द रिक्वायर्ड नंबर इज 5 एंड 2, सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे सेकेंड नाउ सेकेंड सम, इस समय आपको कंप्यूटर फॉर्म टेबल के फॉर्म में दिया हुआ, कंप्यूटर फॉलोइंग बोला है यहाँ पे, ये एक रेक्टेंगल बना के दिया है, बोलता है कि आई एम रेक्टेंगल जो इसका ये लेंथ है और ये इसका ब्रेथ है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, उसके बाद आपको फाइंड माई पैरामीटर एंड एरिया बोला है, तो इसमें आपको वर्ड फॉर्म में जो तो नहीं दिया है, बट वो बेसिकली वर्ड फॉर्म में बताने की कोशिश किया है, आपको यहाँ दिया क्या है, अगर ये बोला है आई एम रेक्टेंगल, तो ये इसका लेंथ हो गया ये दोनों, और ये इसका क्या हो गया, ब्रेथ हो गया, हमें पता है कि रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम यहाँ से दो इक्वेशन फाइंड करेंगे, एक ये लेके और एक इससे लेकर, मैंने सोल्यूशन लिखा है अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो गए, मीन्स 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका एक इक्वेशन बनेगा, फिर बाद में आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 2y करके सॉल्व करेंगे तो आपका सेकेंड इक्वेशन बनेगा, पहले हम ये पहला इक्वेशन निकालते हैं, इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाना है क्योंकि नियर इक्वेशन का फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, और जो कॉन्शियस टर्म है उसको यहाँ लेके आएंगे, मीन्स एक्स और वाई के टर्म को एक साथ, देयर फोर 2x प्लस वाई, 4x से यहाँ पर जाएगा तो माइनस 4x हो जाएगा, माइनस वाई यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है यहाँ पे, 8 जब हम वहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 8, देखो 4x में से 2x गया माइनस 2x, प्लस y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू माइनस 8, 2 2 एंड 8, ये 2 के टेबल में आ रहा है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे डिवाइड बाय 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सेकेंड इक्वेशन निकालना है जो जिसके लिए आप ब्रेथ लेंगे, मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, ऑल्सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2y, सॉरी एक्स प्लस 4, दिस इज 4, देन 2y इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 4 है, इधर क्या हो जाएगा माइनस 4, इक्वेशन नंबर, इससे से आपको दो इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर आप यहाँ देखेंगे x का कोई फिर x का कोई फिर सेम है, यहाँ पे यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड फर्स्ट इक्वेशन माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, इक्वेशन 1, सेकेंड इक्वेशन एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, इक्वेशन नंबर 2, ऐड कर रहे हैं तो x x क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस x है प्लस x है, अब ये माइनस 2y प्लस y है, एडिशन में माइनस 2 में से 1y गया तो कितना आएगा आपका माइनस y इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं, इट विल बिकम माई माइनस 8, दिस माइनस माइनस कैंसिल,
therefore y is equal to 8. यहाँ आपका y का वैल्यू आ गया, मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, बोला था आपको वाई मिल गया है, अब आपको क्या चाहिए, एक्स चाहिए, तो इस वाई की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में चाहे वन में या चाहे टू में बोल सकते, तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग जो आपका y का वैल्यू y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे वन में, यहाँ मैंने इसको ऑलरेडी लिख दिया है, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन वन क्या आपका था माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस फोर था, माइनस एक्स प्लस वाई की जगह 8 पुट करेंगे इज इक्वल टू माइनस फोर, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, 8 वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, देखो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस माइनस की जगह आपका कैंसिल हो जाएगा, देन आई विल गेट एक्स इज इक्वल टू 12। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था एक्स एंड वाई वो निकल गया, मीन्स आपने एक चीज़ फाइंड कर लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वाई की वैल्यू आपकी 8 है और एक्स की वैल्यू आपकी 12 आई, बट आपको क्या बोला है फाइंड माई पैरीमीटर एंड एरिया। अब आपको यहाँ देखने का है रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल का पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है और एरिया का फॉर्मूला होता है, आपने सीखा होगा पहले भी 8th या 9th में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया फ्रैक्टेंगल होता है, और पैरामीटर होता है इन चारों को आपको क्या करना पड़ता है ऐड करना पड़ता है, मीन्स लेंथ ऑफ दी फोर साइड्स, मतलब कि टू ब्रैकेट में एल प्लस बी, ये इसके फॉर्मूले होते हैं जो मैं आपको लिख कर करके हमें बता दूंगा, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ मैंने इसे ऑलरेडी लिख दिया है, हमें अगर एरिया फाइंड करना है तो हमें उसके लिए लेंथ चाहिए और ब्रेथ, तो पहले हम निकालेंगे लेंथ, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जो आपका बॉक्स है तो ये आपका लेंथ है, चाहे आप इसे कंसिडर करें चाहे इसे कंसिडर करें कोई भी एक लेंगे, तो मैंने यहाँ पे 4x माइनस वाई लिया है, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4x माइनस वाई इज इक्वल टू, आपने जो x और y की वैल्यू निकाली थी उसको उसके अंदर पुट कर देंगे, 4 इंटू ब्रैकेट में 12 आएगा माइनस 8, सॉल्व करेंगे 12 फोर जा 48 माइनस 8, 48 में से 8 गया 40, तो आपका लेंथ आ गया। अब आपको निकालना है ब्रेथ, क्वेश्चन में ब्रेथ में चाहे आप 2y ले या आप x प्लस वाई ले, तो मैंने यहाँ पे लिया द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू, मैंने क्या लिया यहाँ पर 2y लिया इज इक्वल टू y की वैल्यू आपने फाइंड किया था जो आपकी आई थी यहाँ पे 8 आई थी, तो आप लिखेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू 8, 8 टू द 16, ये आपको लेंथ ऑफ ब्रेथ निकल गया है, क्योंकि आपको फाइंड करना है यहाँ पे एरिया एंड पैरामीटर, तो आप फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू ब्रेथ विच इज इक्वल टू, लेंथ आपने निकाला यहाँ पे 40 है और ब्रेथ आपका 16 है, 40 इंटू 16 मल्टीप्लाई करने पे आएगा 640, क्योंकि यहाँ पे कोई क्वेश्चन में कोई यूनिट नहीं दिया था इसलिए हम यहाँ लिखेंगे एरिया फाइंड किया है तो स्क्वायर यूनिट लिखेंगे यहाँ पे। नाउ अगेन अब द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला होता है टू ब्रैकेट में एल प्लस बी, टू ब्रैकेट में एल की वैल्यू 40 है प्लस 16, ऐड करने में 56 आएगा, जब आप ब्रैकेट में है मीन्स इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 56 इंटू 2 करने पे 112 यूनिट, ये आपका इसका आंसर निकल जाएगा, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 12 एंड वाई इज 8 एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 640 स्क्वायर सेंटी यूनिट एंड पैरामीटर रेक्टेंगल इज 12, आपका आंसर लिखना पड़ेगा। इस तरह से आपका सेकंड सम सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड सम, थर्ड सम भी फर्स्ट सम जैसा ही है, इजी है थोड़ा सा, हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे रीड करेंगे, द सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70, इफ यू डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। जैसा कि मैंने आपको बताया था जब कभी भी जो चीज़ फाइंड करने बोलेगा मीन्स फाइंड करना है प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, तो लिखने का लेट द फादर्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स एंड द सन्स प्रेजेंट एज बी वाई ईयर्स, ये लिख लीजिए इसका फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। पहला कंडीशन क्या बोलता है द सम ऑफ फादर्स एज, सम बोला है तो प्लस, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन प्लस कर देगा सम ऑफ फादर्स एज, फादर्स एज क्या है यहाँ पे एक्स, तो एक्स प्लस एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मीन्स यहाँ पे सन का एज कितना वाई है तो ट्वाइस मीन्स टू वाई इज 70 इज इक्वल टू 70, तो पहले कंडीशन कैसे निकालेंगे यहाँ पे द सम ऑफ फादर्स एज एक्स प्लस ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन 2y इज इक्वल टू 70, फर्स्ट कंडीशन। अब हम सेकेंड कंडीशन पढ़ेंगे
इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, इस बार हमने फादर के को डबल कर दिया, मीन्स 2x एंड एडेड टू, एडेड मतलब होता है सम जैसा, प्लस टू द एज ऑफ हिज सन, एज ऑफ सन क्या है यहाँ पे, y है, उसको डबल नहीं किया है यहाँ पे इस बार, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95, ये आपका ये होगा इक्वेशन नंबर 2। मीन्स आपका पहला इक्वेशन में क्या बोला है, फादर का एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन, सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला है, फादर का एज ट्वाइस है और सन का एज वही है, एक ही है, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95 इक्वेशन नंबर। अब हम यहाँ दोनों इक्वेशन को मेसेज चेक करेंगे, इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है, तो x प्लस टू वाई इक्वल 70 है, यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल 95 है, तो मींस मैंने इक्वेशन नंबर वन में क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये 2x हो जाएगा, मींस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 70, 2x प्लस 2 जो 4y इज इक्वल टू 70 इंटू 2 140, इक्वेशन नंबर 3 आपका नया इक्वेशन बन जाएगा, थर्ड एंड 2। हम यहाँ पे इक्वेशन 3 एंड 2 को कंसीडर करेंगे, क्योंकि दोनों का जो इक्वेशन अगर आप देखेंगे चेक करेंगे तो यहाँ पे इसके जो x का जो कोएफिशिएंट है 2 वो बैलेंस हो गया है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, तो जब 2 फ्रॉम 3 बोलता हूँ मतलब मैं क्या होता है इसमें 3 को पहले लिखने का, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140 इक्वेशन नंबर 3 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 95 इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक करना है तो साइन नीचे के साइड चेंज हो जाएंगे, क्योंकि सभी के सभी पॉजिटिव टर्म में दिया हुआ है, माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, 2x कैंसिल हो जाएंगे, 4y में से y गया, 3y इज इक्वल टू 140 में से 95 जाएगा, कितना आएगा 45, y इज इक्वल टू 45 अपॉन 3, क्योंकि 3 इंटू है डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो y इज इक्वल 15, ये आपका किसका एज आया, आपका सन का, क्योंकि हमने सन को y कंसीडर किया है। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन 1, 2, 3 में पुट कर सकते हैं, सिंपलेस्ट इक्वेशन लेंगे इक्वेशन नंबर 1, सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, 1 को पहले लिखने का पहले x प्लस 2 y इज इक्वल टू 70, x प्लस 2 ब्रैकेट y इक्वल टू 15 है, 15 लिखा इज इक्वल टू 70, x प्लस 15 टू 30 इज इक्वल टू 70, देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 वहाँ जाएगा, माइनस हो जाएगा 70 माइनस 30, x इज इक्वल टू 40, ये आपका किसका एज आ गया, फादर का, हमें प्रेजेंट डिफाइन करने बोला था, बाद में आंसर लिख देंगे, द फादर्स प्रेजेंट एज वी एज इज 40 ईयर्स एंड द सन्स प्रेजेंट एज इज 15 ईयर्स, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया।